मेरे साथ दो दोस्त हैं, उन लोगों को मैं भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। ओह यस डैडी। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भाई यार, आप देख रहे होंगे यार, ये क्या सीन है भाई, आप देख पा रहे हैं यार। अभी मैं एक छतरी लेके यार घूम रहा हूँ, बिकॉज मेरे ऊपर ना ओले गिर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ओले गिर रहा है यार। और वो जिस प्रकार ओले गिर रहा है दोस्त, वो है यार रुई की जैसा ओले गिर रहा है, जो कि देखने लायक है। लाजवाब यार, ठंड ठंड। इधर की जो व्यूज़ है भाई, इधर की व्यूज़ देखो यार, क्या सीन है भाई। वैसे मैं एक छाता पे हूँ और मेरे बाहर की जो नज़ारा है भाई, वो मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये सीन है भाई, देखो यार क्या नज़ारा है भाई, ब्यूटीफुल ऑसम। उधर पे जो बाहर के जो टूरिस्ट वाले जो लोग आते हैं ना, वो उधर पे इस प्रकार से टेंट लगा के रह रहे हैं। ये सीन है, इधर कुछ गाड़ी, इधर वाली देखो माउंटेन, देखो तो भाई अभी की टाइम बज रहा है यार, अभी 1 बज रही है। और जैसे कि मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो पे, कि हम लोग अभी आए हैं सिसु, यानी कि मनाली। मनाली क्या, ये एक बेहतरीन जगह है, यानी कि ट्रेवल करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, ऐसे भी आप भी आ सकते हैं। दूसरी बात, अभी बहुत अभी कुछ देर पहले यानी कि आइस गिरा था, जैसे कि मैंने दिखाया था अम्ब्रेला पे, यानी कि छाता मैंने जस्ट इस प्रकार से पकड़ा था, जस्ट इस प्रकार से। तो आप लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से अम्ब्रेला। और अभी की वेदर है जो है यार, वैसे ये बहुत ज़्यादा ठंड है। ये मैंने जैकेट इधर ही आके लिए, क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं, तो आप लोगों को पता ही है झारखंड की जो वेदर है उतनी ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि लो नहीं होती है, उतनी ज़्यादा इधर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। और अब यार 1 घंटों के अंदर यार, यानी कि यहाँ पे चारों तरफ यानी कि बर्फ़ गिरी हुई है। ये मैं इस प्रकार इस हैंड पे मैंने इसलिए ग्लव्स तो नहीं पहने, क्योंकि ऐसे मुझे मोबाइल यानी कि कैमरा को टच करनी पड़ती है, जिसको इसे मैंने नहीं किया। और मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पीछे तरह दिखा रहा है, चारों तरफ बिहार दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कितनी ज़्यादा आइस यानी कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ है। ठंड लग रहा है, मस्त लग रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन अभी जितनी ठंड लग रहा है ना, उतने अभी ठंड है नहीं, लेकिन जब हवा चलेगी ना मेरे दोस्त, उस टाइम यार बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस टाइम फिर देखने लायक होती है। चलो मेरे पीछे आपको थोड़े से दिखा रहे बिहार, इधर आप पे किस प्रकार से यानी कि बर्फ़ जमी हुई है। आप पूरे पहाड़ को देख सकते हैं, इधर पूरे पहाड़ को कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इधर वाले फॉग देखो, आगे देखो भाई, इधर वाले फॉग देखो यार, क्या फॉग है भाई, चारों तरफ से फॉग ही फॉग यार, इतनी ज़्यादा कुहासा है, इतना ज़्यादा कुहासा है ओला बस। वैसे मैं इधर वाले नज़ारा देखो, कितने ज़्यादा उधर फॉग है, देख रहे हो, उधर से कुछ बंदे घूम रहे, देखो भाई पहाड़ को, यानी कि यार उधर जो आसमान है और इधर फॉग है, इधर जो पहाड़ की यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे रही है, इतनी ज़्यादा अभी बिल्कुल मिल चुकी है। इधर से कुछ चिड़ियाँ उड़ रही है, वो भी दिखाई नहीं दे रही है अच्छी तरह से। तो भाई आज के लिए इतने ही, बाकी आएंगे यानी कि अलग जगह के लिए, फिर मिलते हैं अगले वाला नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे। तो खुश रहो हमेशा, खुश रहो हमेशा, और आप भी हमारे जैसे घूमने के लिए आओ। बाकी ऑल द बेस्ट और खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।